टेलीविजन की एक्ट्रेस आमना शरीफ और श्रेनु पारिक के बारे में बात करें तो अब अपना ये दोनों एक्ट्रेस डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी वो फिल्म है जिससे अपना डिजिटल डेब्यू करेंगी। आप सब ने हीना खान और अध्ययन सुमन की एक फिल्म तो देखी ही होगी जिसका नाम था डैमेज 2, जो कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसमें हीना खान का एक अलग तरह का किरदार आप सबके सामने आया था। वहीं अध्ययन सुमन का भी एक अलग किरदार आप सबने देखा था। लेकिन अब डैमेज 3 आ रही है और डैमेज 3 में आमना शरीफ और श्रेनु पारिक देखेंगी। आपको बता दें कि डैमेज 3 में आमना शरीफ जो कि एक हेडस्ट्रॉन्ग कॉप का रोल प्ले करेंगी, वहीं श्रेनु जो है वो एक बडिंग जर्नलिस्ट का रोल प्ले करने वाली हैं। और आपको बता दें कि इन प्रीवियस लीडिंग लेडीज़ की बात करें तो बोथ द कैरेक्टर, ये जो दोनों किरदार थे ये काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड थे और कई सारे शेड्स थे इन किरदारों में। अब फर्स्ट सीजन में आपने अमृता खानविलकर को देखा था जिन्होंने एक सीरियल किलर के रोल को प्ले किया था। वहीं सेकंड सीजन में आपने हीना खान को देखा था जो कि एक सेंट्रल किरदार था और कई सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हुए थे इस फिल्म में जिसमें मिस्ट्री और थ्रिल था। वहीं डैमेज 3 जो कि अब व्यूवर्स को सीट पर बिठा के रखेगी और उन्हें इस पूरी फिल्म को देखने पे मजबूर कर देगी। एक अलग तरह का किरदार निकल के सामने आएगा, जैसे कि एक सुपर कॉप का रोल प्ले करेंगे आमना शरीफ, वहीं एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करने वाली है श्रेनु पारिक। आपको बता दें कि आमना शरीफ जिन्होंने अपनी डिजिटल डेब्यू पर कुछ कहा है, वो कहती है, द डैमेज फ्रेंचाइजी इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर हु आर अनअपोलोजेटिक एंड आर इन द फैक्ट एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी एंड स्क्रिप्ट ऑफ डैमेज 3 इंट्रीगेट मी, पर्टिकुलरली माई कैरेक्टर हु इज अ टफ वुमन विद मैनी सीक्रेट्स एंड शी वॉन्ट्स टू कीप हिडन। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद द टैलेंटेड कास्ट एंड क्रू। वहीं श्रेनु पारिक ने अपने डिजिटल डेब्यू पे कुछ कहा है, वो कहती है, द फर्स्ट 2 सीजन्स ऑफ द शो वर हाईली अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस फॉर देयर आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा एंड आई एम एक्साइटेड टू प्ले अ वुमन हु इज स्टबॉर्न, सीक्रेटिव एंड डिफिकल्ट टू कम्प्रिहेंड। द शो हैज इनफ ट्विस्ट एंड टर्न्स टू कीप द व्यूअर्स हुक्ड। आई एम सिंपली कैन नॉट वेट टू गेट स्टार्टेड विद द शूट। आपको ये बता दें कि डैमेज 3 जिसे एंडमॉल शाइन इंडिया ने प्रोड्यूस किया था, वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एकांत बबानी ने, और अब ये बहुत जल्द आपको हंगामा प्ले पर देखने को मिलेगी। आमना शरीफ जो कि कई टीवी शोज में आ चुकी हैं और कसौटी जिंदगी की 2 और कहीं तो होगा जैसे टीवी शोज में ये दिख चुकी हैं, इनका आइकॉनिक किरदार दिख चुका है। वहीं आमना शरीफ जिन्होंने एक विलन और रूही जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी, इन फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। वहीं श्रेनु पारिक जिन्होंने कई लीड एक्टर को प्ले किया है जिसमें इस प्यार को क्या नाम दूं, एक बार फिर, दिल बोले ओबेरॉय, इश्कबाज और एक बहराम, सर्वगुण संपन्न। सो ये सब टीवी शोज में काम किया है श्रेनु पारिक ने। अब देखना बाकी है कि आखिरकार किस तरह का इनका किरदार होता है और किस तरह से डैमेज 3 जैसी फ्रेंचाइजी में ये किस तरह से अपने किरदार को ढालती हैं। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, श्रेनु पारिक या फिर आमना शरीफ, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए।